देखिए ड्रेसिंग रूम भी जब विश्वास होता है कि हम हार तो हो सकते ही नहीं, तो वहां पर जाकर सामने वाली टीमों के लिए दिक्कतें बढ़ती हैं। अच्छा, आज रोहित वर्सेस विराट भी है कप्तान के तौर पर भी, और देखिए अपनी अपनी टीम की किस्मत ही अपने बल्ले से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें जो आपकी स्क्रीन पर है, ये बताते हैं कि बतौर बल्लेबाज विराट बहुत आगे, विराट कोहली बतौर बल्लेबाज बहुत आगे हैं। और आपको याद होगा 2016 में भी उन्होंने ओपन किया था, 400 बनाए थे, हाथ में टांके थे बावजूद उसके, लेकिन तब भी वो टूर्नामेंट जिता नहीं पाए थे। अब उन्होंने कहा कि मैं ओपन करूंगा, पडिक्कल के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो फिट हैं, वो अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों की दिक्कत क्या है, दोनों की दिक्कत शायद अब वो स्पिन दिख रही है, क्योंकि इंटरनेशनल हो या आईपीएल हो, सामने वाली टीमों ने राइट आर्म लेग स्पिनरों से रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमजोरी इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है। खासतौर से विराट, आप पिछला आईपीएल देखें, आईपीएल के बाद भारत का सीजन भी देखें, लेग स्पिनर्स एक दिक्कत है। और ऐसे में मुंबई इंडियंस ने जो दूसरे लेग स्पिनर को रखा, पीयूष चावला, सवाल यह है कि क्या पीयूष चावला और राहुल चहर दोनों आज खेलेंगे? और अगर विराट ओपन करने आते हैं तो क्या विराट के खिलाफ रोहित पावर प्ले में ही लेग स्पिनर का इस्तेमाल करेंगे? खैर, मेरे साथ ना सिर्फ मदन जी हैं, मेरे साथ सुनील गावस्कर साहब भी हैं और वो भी रहेंगे आज तक पर आप लोगों के साथ पूरी आईपीएल में। और सनी भाई से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मुंबई इंडियंस को किस तरह से आंका है पहले उस पर नजर डालते हैं। मुंबई की एक मतलब एक ट्रेडिशन बन चुकी है रणजी ट्रॉफी से कि वो शुरुआत से जीत के बारे में सोचते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि हमारे से कोई अच्छी टीम। और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, पिछले 2 सालों में जहाँ पे उन्होंने खिताब जीता है, आईपीएल ट्रॉफी जीती है, ऐसा लग रहा है कि इस बार भी उनके पास जो टीम है वो बड़ी अच्छी टीम है। देखिए, वो उनकी टीम में ज्यादा बदलाव नहीं ले आते, क्योंकि एक जो कोर ग्रुप रखते हैं तो उसी पर वो संतुष्ट होते हैं, वो जानते हैं कि कहाँ पे कुछ करना है, कहाँ कहीं से और किसी को लेना है, जहाँ पे उनको ये सोचते कि हमें इस एरिया में थोड़ी सी हमारे पास कमी है तो फिर उसको कैसे मजबूत करें, इस सोच से वो ऑक्शन में जाते हैं। और इसलिए ज्यादा बदलाव नहीं हमने देखा उनके टीम में। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उनके जो 3 युवा खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय टीम में भी पदार्पण किया था, अभी एक ईशान किशन और दूसरे और मृणाल पांडे, और जिस तरह से उन्होंने वहां पे भी सफलता प्राप्त की है, तो उसका तो कॉन्फिडेंस जरूर होगा। आईपीएल खेलेंगे तो अब इंडिया प्लेयर के नाते खेलेंगे, एक इंडिया प्लेयर के नाते जब आप उतरते हैं तो फिर आप में जो आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास दुगना होता है। तो भाई ये तीनों खिलाड़ी अब और भी मुंबई इंडियंस को और भी टीम को मजबूत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।